स्टूडेंट्स कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे थे। कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, उसको परंपरागत क्रियाएं या फिर व्यवहारिक कीट नियंत्रण भी बोला जाता है, या फिर जो मतलब कि जो अपने परंपरागत रूप से जैसे खेती करते आ रहे हैं, जो क्रियाएं चलती आ रही हैं उनमें हेर फेर करके किस तरह से आप बदलाव ला के इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में अपने देखते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, प्लोइंग या फिर जुताई। अगर आप फील्ड की जुताई अच्छे से कर दोगे, समर प्लोइंग अगर कर देते हो, तो इंसेक्ट के लार्वा प्यूपा वगैरह जो प्रेजेंट है फील्ड के अंदर, तो वो क्या होते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं और उस पर डायरेक्ट जैसे नेचुरल एनिमी वगैरह है वो अटैक कर देते हैं और उनको अपने खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, राइस मिली बग हो गया, तो इनकी मदद से डायरेक्ट जुताई करके और क्या रहता है कि ये जो पेस्ट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है रेड हेरी कैटरपिलर और राइस मिलीबग। ठीक है, नेक्स्ट आता है पडलिंग। राइस के खेत में अगर आप पडलिंग अच्छे से करोगे तो क्या रहता है, जैसे ग्रास ऊपर है तो वो एगलिंग कहाँ करता है, सोइल में करेगा। ठीक है, तो उसके जो एग है वो क्रश हो जाएंगे और उनमें से जो मतलब एडल्ट है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। एग भी मतलब अगर अपने तोड़ दिया तो उससे इंसेक्ट बाहर निकल के नहीं आएगा, तो इससे क्या होता है अपने खेत में इसके अटैक से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रिमिंग एंड प्लास्टरिंग। जैसे मतलब जो अपनी मेड रहती है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम ट्रिम करके और वापस प्लास्टरिंग करके, मतलब अगर मेड को अच्छे से लेवलिंग में रहेगी वो, तो क्या होता है पोटैटो की जो ट्यूबर मोथ होती है वो डायरेक्ट अटैक करती है पोटैटो के प्लांट पे, तो उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेस्ट फ्री सीड मटेरियल। अगर अपने सीड मटेरियल ऐसा ले लिया जो कि पेस्ट फ्री है, मतलब कि जैसे जैसे सोइल सॉरी जैसे मतलब कि कुछ एक प्लांट्स आते हैं जैसे फ्रूट क्रॉप के अपने प्लांट यूज करते हैं जैसे, तो या फिर जैसे बहुत सारी क्रॉप की जैसे नर्सरी लगती है, तो नर्सरी में ही अगर इंसेक्ट पेस्ट ने अगर उसमें अटैक कर दिया और अपने मेन फील्ड में अगर उसको ट्रांसफर किया, तो क्या हो रहता है कि अपने प्लांट के ऊपर भी वो अटैक रेगुलर रहेगा। तो नर्सरी में क्या रहता है, अपने जो इंसेक्ट पेस्ट है उसका कंट्रोल कर लो, जो अपना सीड मटेरियल है वो स्वस्थ होना चाहिए, जिससे बीमारी नहीं लगेगी, उस पे कीट वगैरह का प्रकोप नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए किसके लिए इम्पोर्टेंट है, सोर्गम शूट फ्लाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाई सीड रेट। क्या होता है कि अगर मतलब कि अपने सीड रेट हाई कर देते हैं, जैसे ज़्यादा सीड रेट अगर यूज कर लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं जो कि अटैक करेंगे अपने प्लांट के ऊपर डायरेक्ट, तो उसको बचाया जा सकता है। जैसे राइस के अंदर हाई सीड रेट यूज कर लेते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी और जो ब्राउन ब्राउन प्लांट ऊपर जो रहता है वो डायरेक्ट अटैक करता है राइस की क्रॉप पे, तो उससे बचाया जा सकता है इसकी सीड रेट हाई करके। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है रोग्यू स्पेस प्लांटिंग। इसमें क्या रहता है कि मतलब कि जो रोग्यू आउट कर दो, जो भी इंसेक्ट पेस्ट के डेड मटेरियल वगैरह है उनको वहां से हटा देना चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट वो उसका कंट्रोल किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, राइस ब्राउन प्लांट ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लांट डेंसिटी। प्लांट डेंसिटी ये मैंने आपको उसमें पैथोलॉजी में भी बताया था कि प्लांट डेंसिटी नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होती है उसको अगर बढ़ा के, और आप क्या करते हो शुगर केन की जो शूट फ्लाई है उसको कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह से, मतलब कि जो सॉरी व्हाइट फ्लाई जो रहती है तो वो कैसे अटैक करती है पूरी फील्ड में, ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था। जैसे डिजीज जिस टाइम करवाई थी तब भी मैंने बताया था कि बहुत सारे जैसे प्लांट रहते हैं, व्हाइट फ्लाई क्या रहती है कि यहाँ पे अटैक करेगी, बहुत सारी पॉपुलेशन उसकी रहती है यहाँ करेगी, तो धीरे धीरे क्या रहता है कि अगर प्लांट ज्यादा रहेंगे तो वो पूरे फील्ड में फैलने, इधर उसने अटैक किया, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या रहती है पूरे फील्ड में फैलेगी और उसका जैसे जैसे अटैक होता जाएगा तो अपने को पता चल जाता है कि वो जैसे उसके सिम्टम्स जैसे अपीयर होने लगते हैं कि व्हाइट फ्लाई है, तो बहुत सारी हो सकता है डिजीज भी वो ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, तो क्या रहता है कि अपने को पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे सिम्टम अपीयर होंगे तो अपने उसका कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक थोड़ा ही उसमें जो इन्फेक्शन है उसका अगर थोड़ा ही है, तब तक अपने उसका कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट डेंसिटी में इंक्रीज करके हो गया। नेक्स्ट आता है अर्थिंग अप हो गया, जैसे आलू हो गया और बहुत सारी जैसे क्रॉप है शुगर केन हो गया, उसमें अगर आप अर्थिंग अप सही से कर दोगे तो क्या रहता है कि जो अटैक होता है जो इंसेक्ट पेस्ट का उससे बचाया जा सकता है। जैसे शुगर केन, शूट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई हो गया, ठीक है, तो
तो इससे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डी टेरेसिंग ऑफ सिट्रस। सिट्रस में बहुत सारे जैसे मतलब जैसे लीफ वगैरह रहती है जो कि नीचे के पोर्शन में जैसे लीफ जो डेड लीफ वगैरह है तो उसको हटा देने से क्या रहता है जो इंसेक्ट पेस्ट के इंसेक्ट पेस्ट जो रहते हैं तो उसके एग वगैरह एग मासेस हो गया तो उस पर सर्वाइव करते रहते हैं तो वो वहां से हट जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहता है कि अपने प्लांट को बचाया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे फ्रूट सकिंग मोथ। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड होस्ट। तो बहुत सारे जैसे इंसेक्ट पेस्ट जब उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है या फिर जो उनकी क्रॉप है मेन क्रॉप उसको अगर हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो क्या होता है कि वो सर्वाइव कहाँ करते हैं, जो अपने वीड वगैरह प्रेजेंट रहते हैं फील्ड के अंदर तो वो उन पे सर्वाइव करेंगे। तो क्या होता है आपने अगर वीड को हटा दिया जो तो जो मेन इंसेक्ट है उसके जो एग लार्वा वगैरह है जो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे तो वो क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कॉटन वाइट फ्लाई। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। तो अल्टरनेट होस्ट और कोलेटरल होस्ट वही जो सेम फैमिली का जो होस्ट रहता है। ठीक है, अल्टरनेट होस्ट क्या रहेगा कि जो कि डिफरेंट फैमिली का कोई भी होस्ट है तो अपनी जो मेन क्रॉप है उसकी जगह पे कोई भी अगर दूसरी क्रॉप है जो कि अल्टरनेट होस्ट है उस इंसेक्ट पेस्ट का उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। इससे क्या करते हैं, इससे क्या है कि आपको कंट्रोल हो जाएगा जो अपना पेस्ट है जो कि वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग करके आप क्या है राइस की जो आर्मी वोम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रेस मल्चिंग और बोरर। अगर आपने मल्चिंग कर दी फील्ड के अंदर तो क्या रहता है जो बोरर इंसेक्ट होते हैं ठीक है तो उनसे आप बचा सकते हो। जैसे कि शुगर केन अर्ली शूट बोरर होता है जो कि शूट के अंदर जाके और वहाँ पे अटैक करता है तो मल्चिंग से मल्चिंग में क्या मल्चिंग अगर आप कर दोगे तो इससे आप बचा सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रूनिंग और टॉपिंग। प्रूनिंग और टॉपिंग में क्या रहता है कि जैसे राइस का राइस की फील्ड में क्या करते हैं कि जब नर्सरी प्लांट रहता है ठीक है तो अगर मेन फील्ड में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें टॉपिंग और प्रूनिंग कर दी जाती है जिससे क्या रहता है जो टिप होती है वो काट दी जाती है क्योंकि टिप पे क्या करता है कि राइस स्टेम बोरर जो है उसके एग वगैरह प्रेजेंट रहते हैं टिप के ऊपर तो उसको अगर हटा लोगे तो क्या वो टिप को आप तोड़ के फिर लगाते हो तो क्या रहता है कि आप इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से बचा सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग समझा चुकी हूँ आपको किसके लिए बेनिफिशियल रहती है, शोरगम स्टेम बोरर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप अगर आप लगा दोगे तो किससे कंट्रोल कर सकते हो, डायमंड बैक मोथ हो गया, अदर भी जैसे अदर इंसेक्ट को भी कंट्रोल दे हो सकता है लेकिन जो मेन जो मेजर होस्ट है उनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर मैनेजमेंट। अगर आपने वाटर मैनेजमेंट फील्ड में सही से कर लिया तो जैसे ब्राउन प्लांट ऊपर हो गया और भी बहुत सारे इंसेक्ट है तो उनसे आप क्या करते हो अपनी फसल के ऊपर अटैक होने से बचा सकते हो। ठीक है, और अगर अपने फर्टिलाइजर का ढंग से उपयोग कर लिया, फर्टिलाइजर को सही से अगर उपयोग कर लिया खेत के अंदर, ये ऑप्टिमम अगर आप यूज करते हो फर्टिलाइजर की डोज को तो क्या रहता है कि जैसे राइस लीफ फोल्डर हो गया तो उससे आप बचा सकते हो इसका अटैक। जैसे ज्यादा अगर आपने फर्टिलाइजर यूज किया है फील्ड में तो उसका अटैक भी ज्यादा रहेगा, अगर ऑप्टिमम यूज आप कर रहे हो तो इसके अटैक से आप बचा सकते हो। ठीक है, अगर आप टाइमली हार्वेस्ट कर लेते हो क्रॉप को तो स्वीट पोटैटो वीविल हो गया तो उससे आप बचा सकते हो क्रॉप को, तो इसके अटैक से आप बचा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इनके अंदर चेंजेस करने से आप बहुत सारे जो अपनी क्रॉप रहती है उसके जो मेजर पेस्ट है उसे आप क्रॉप को बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिटी लेवल प्रैक्टिसेस। कि कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है उनको आप करके यूज करके डायरेक्ट क्रॉप को हानि क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट की हानि होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है जैसे सिंक्रोनाइज हो गया, जैसे बहुत सारी जैसे टेक्निक होती है तो उनको सिंक्रोनाइज करके यूज करोगे अगर आप तो क्या रहता है जैसे राइस हो गया कॉटन हो गया उसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट के इन्फेस्टेशन से आप उस क्रॉप को बचा सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया।
ठीक है, तो ये क्या करता है, क्रॉप रोटेशन जो इंसेक्ट पेस्ट का जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसे, जैसे एग लार्वा प्यूपा एडल्ट पूरा बन रहा है उसका, तो क्रॉप रोटेशन अगर आपने किया है, फसल चक्कर अगर आपने अपनाया है भी, मतलब सेम क्रॉप आपने उसी फील्ड में दोबारा से नेक्स्ट सीजन में, जैसे दलहनी क्रॉप अगर आपने लगाई है तो वापिस से अगर दलहनी क्रॉप ही आप उस फील्ड में यूज कर रहे हो, तो क्या रहेगा, जो उधर इंसेक्ट पेस्ट है जो नुकसान पहुंचाता है मेनली जैसे दलहन क्रॉप को, तो वो क्या होगा कि वो तो उधर मतलब डायरेक्ट अटैक कर देगा, कि वो वहां उस फील्ड से जाएगा नहीं, तो उसका जैसे लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट हो रहा है उसी सीजन में, तो वो ज्यादा से ज्यादा अटैक करेगा। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन अपना के आप इंसेक्ट पेस्ट के लाइफ साइकिल को, जिससे इंसेक्ट पेस्ट का जो लाइफ साइकिल होता है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और आप कंट्रोल कर सकते हो क्रॉप का। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉप सैनिटेशन। मतलब क्रॉप सैनिटेशन तो आपको पता ही होगा कि जो भी इन्फेक्टेड पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको आप हटा दो, जो वीड होस्ट है उनको हटा देना चाहिए क्रॉप से, जो कि क्रॉप के रेसिड्यूज वगैरह हैं जो अपनी क्रॉप अपने हार्वेस्ट कर ली उसके जो अवशेष पड़े हैं, तो उनको भी आप फील्ड से हटा के क्या हो, फील्ड को हट फील्ड में से हटा के आप बहुत सारे पेस्ट से, पेस्ट को नुकसान करने से बचा सकते हो अपनी क्रॉप को। ठीक है, तो ये सब तो अपनी बात कर ली कल्चरल कंट्रोल की। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस कौन सा होता है, नो एक्स्ट्रा स्किल। इसमें क्या रहती है कि आपको कोई अदर एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो कॉस्टली इनपुट्स। जो इनपुट्स है वो आपके कॉस्टली नहीं रहते हैं, मतलब आपको वो तो जो क्रियाएं हैं वो तो आपको यूज करनी पड़ेगी, वो तो आप वैसे भी यूज करते हो फील्ड में, तो इसके जो इनपुट्स है वो कॉस्टली नहीं रहते। ठीक है, नो स्पेशल इक्विपमेंट, इसके लिए आपको स्पेशल जो यंत्र रहते हैं उनकी आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बिल्कुल मिनिमम होती है, ना के बराबर कॉस्ट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आईपीएम के कंपोनेंट है वो अच्छे रहते हैं और बेनिफिशियल रहते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकली साउंड, मतलब आर्थिक रूप से भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, आर्थिक रूप से उसका कोई नुकसान नहीं होता है, और आपकी जो मतलब जो लागत है वो भी बहुत कम आती है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से कल्चरल प्रैक्टिसेस के, कि नो कंप्लीट कंट्रोल, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता, प्रोफाइलेक्टिव नेचर का है ये। ठीक है, मतलब कि एक तरह से प्रिवेंशन हो सकता है, उसका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइमली डिसाइडेड सक्सेस, मतलब कि अगर आप कौन सा मेथड आप कब यूज कर रहे हो, अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो तो ही आपका कंट्रोल हो पाएगा, वो टाइम निकलने के बाद अगर पेस्ट की पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो रही है तो उसके बाद में अगर आप कंट्रोल करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ये तो क्या होता है, उससे आप उसको अटैक से बचा सकते हो क्रॉप को। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं अटेंडेंस लगा देती हूँ एक बार सबकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लास अभी टाइम भी हो गया, अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है।